गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। सामने मूर्ति देख लो हनुमान जी की, फिर से वापस से स्वागत करता हूँ आपका करोल बाग में। इतनी बार आ गए भाई, मैं थक गया। स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा था भाई, करोल बाग के चक्कर लग रहे हैं, बट लिटरली अब मैं थक चुका हूँ यहाँ के चक्कर काट काट के। अब राइड की सारी तैयारी हो गई है, बट सामान रखूँगा किसके अंदर? सैडल बैग्स चाहिए मेरे को, तो मैंने सोचा था कहीं से लेने की, बट वहाँ पे स्टॉक आउट चल रहे हैं और वगैरह। स्टॉक वापस से नेक्स्ट मंथ आएगा, मैं इतना वेट नहीं कर सकता, तो मेरे को करोल बाग आना पड़ा। अदरवाइज करोल बाग की ये इस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी मेरा प्लान था सैडल बैग्स कहीं से लेने का, बट दे आर बैड। मैं करोल बाग से लूँगा बिकॉज मेरे को जाना है भाई, अगले 3-4 दिन बाद ही मेरी राइड शुरू है। लास्ट टाइम मैं रॉन्ग से लगा था यहाँ से लेफ्ट कट लेके, सो वहाँ पे नहीं था, मेरे को इधर ही जाना है स्ट्रेट, और फिर वहाँ से कट लेना पड़ेगा। आई गेस दिस इज़ द कट, हाँ आर्य समाज रोड ये वाला है। तो दिस इज़ द एक्चुअल कट, मैं पहली बार करोल बाग सही कट से एंटर हुआ हूँ, तो इसके लिए तो मेरी तारीफ बनती है काफ़ी ज़्यादा। सो मैंने यहाँ पे कुछ शॉप्स देखी थी भाई यूट्यूब पे सर्च करके, कौन यहाँ सैडल बैग्स सेल कर रहा है खुद मैन्युफैक्चर करके, और या फिर मुझे कोई और ऑप्शन मिलता है, मे बी राइनॉक्स का मैं बैड ले लूँ। सो लेट्स सी कि क्या होता है। तो मैं ज़रा कनेक्ट करता हूँ कुछ लोगों को जो मैंने पहले जिनको कॉल किया था, एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल्स में कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ऑलराइट गाइस, बाइक को एक बार देख सकते हो, मैंने सैडल्स को पीछे बंजी से बांधा है। साउंड्स वियर्ड, बट अभी खरीदते मैंने ये कर लिया है, एक टैंक बैग खरीदा है और एक हाइड्रा बैग खरीदा है जो मैंने अभी पहन ही रखा है। कूल लग रहा था देखने में, लिया ही इसलिए क्योंकि कूल लग रहा था। एंड अभी देखो बारिश हो रही है, करोल बाग में हूँ, तो गोप्रो को अभी अंदर डाल रहा हूँ बैग के। वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, इसके अंदर कवर पड़ा हुआ है, तो अभी तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। और गोप्रो को वाटर प्रूफिंग के लिए भी जुगाड़ लेकर आऊँगा, वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ सोल्यूशंस वगैरह, फिर आपको दिखाता हूँ। तो बाकी ये देख लो बाइक कुछ ऐसी लग रही है। वेलकम बैक गाइस, मैं वापस से घर पर आकर आपको अपने सारे बैग्स दिखा रहा हूँ। सो शॉप पे फिर से मेरे को टाइम इतना मिला नहीं कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बारिश भी शुरू हो गई थी, फटाफट घर पहुँचना था। सो दिस इज द टेल बैग जो मैंने परचेज करा, दिस इज द हाइड्रा बैग एंड सैडल बैग। सैडल बैग सबसे लास्ट में दिखाऊंगा। दिस टेल बैग इज अराउंड 1700-1800 रुपीज़ का इसका प्राइस था आई गेस, क्योंकि लमसम में मैंने सब कुछ लिया तो फिर थोड़ा डिस्काउंट हो गया था, तो आई गेस 1700 या 1800 रुपीज़ के आसपास मुझे बैग पड़ा होगा। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 20 लीटर्स के आसपास है, एंड एक्सपैंड ऐसे हो जाता है, एक्सपैंड करके काफ़ी सही स्पेस उसका बन जाता है। आप एक छोटा हेलमेट रख सकते हो, शायद हाफ फेस वाला जो होता है, छोटा वाला हेलमेट आ जाएगा। और बाकी साइड में ये डीप पॉकेट है, पीछे भी एक डीप पॉकेट है, और साइड में भी इधर एक डीप पॉकेट है। एंड इधर फ़ोन रखने के लिए एक दे रखा है, जिसके अंदर आप फ़ोन रख के अपना फ़ोन थोड़ा चला पाओगे आराम से। बहुत ज़्यादा आराम से नहीं चला पा रहा था मैं, बट इट्स फाइन, तो कुछ ऐसा है ये, इट्स नाइस। इसके साथ एक लाइनर भी आता है दिस, तो एक क्योंकि प्रॉपरली वाटर रेसिस्टेंट है ये, इट्स नॉट वाटर प्रूफ, तो वाटर प्रूफ करने के लिए आपको ये ऊपर लगाना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ माई टैंक बैग, मैंने प्राइस बता दी, कैपेसिटी बता दी, और वाटर रेसिस्टेंट है, साथ में लाइनर आता है। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया, दिस इज़ द हाइड्रा बैग। ये प्यारा सा हाइड्रा बैग है, इसकी ब्रांडिंग देख लो, समथिंग इनका अपना खुद का ब्रांड है शायद ये, ट्रैक एंड राइड। सो इनके हिसाब से दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल वन, तो मैंने इसको परचेज करा। 2200 रुपीज़ का बैग था, आई नो हल्का सा एक्सपेंसिव साइड है, बट इसके अंदर कुशनिंग वगैरह जैसी थी तो मेरे को ज़्यादा सही लग रहा था। इससे जो लोअर प्राइस में था 1000 रुपीज़ का भी था एक उनके पास, तो उसके जो इसमें ब्लैडर होता है उसकी क्वालिटी भी मेरे को इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, नॉर्मल सी थी, और बैग की भी इतनी सही नहीं थी। बढ़िया वाला मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लगा, एंड इसमें आपको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे नीचे नहीं मिलता है, आपको मिलेगा यहाँ पे, मैं इसको पहन के दिखाता हूँ। सो इस तरह आप इसको पहन सकते हो, तो ये देखने में भी काफ़ी कूल सा लगता है, बिल्कुल ट्रैक वाला फील आता है। एंड आप यहाँ पर इसको एडजस्ट करके टाइट कर सकते हो अगर आपको टाइट या लूज़ करना है तो, प्लस ये भी है और ये थोड़ा सा मूव भी हो सकता है, एंड इसमें एक विसल भी है। मुझे नहीं पता इसको कब मैं यूज़ करूँगा, कभी करूँगा भी नहीं करूँगा, बट ये थोड़ा सा कूल लग रहा था बस इसलिए मैंने ले लिया, तो आप देख सकते हो पीछे। एंड इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पे पॉकेट है, आई गेस यहाँ साइड में भी एक पॉकेट है, एंड इसमें एक्स्ट्रा पॉकेट भी मिलती है, इसको मैंने खोलूँगा तो यहाँ पे भी आपको एक पॉकेट मिल जाएगी,
दिस इज अनदर पॉकेट, इसमें अगर आपको कुछ छोटा मोटा सामान रखना हो कभी तो रख सकते हो। इधर साइड में भी कुछ है पॉकेट, इधर भी सामान रख सकते हो। सो यहाँ इसमें पॉकेट्स के ऑप्शन मेरे को ज़्यादा मिल जाते हैं। प्लस इसका जो ये ब्लैडर था, इसकी क्वालिटी भी मेरे को ज़्यादा बेटर लग रही थी, ऐसा सा कुछ है। और इसका ये पाइप है, तो इसको मेरे को कहीं से ऐसे लगा कर देखना पड़ेगा, मैंने भी कभी यूज़ नहीं करी हाइड्रा बैग्स को, तो यहाँ से निकल कर आएगा। एंड प्लस इसमें ये भी ऑप्शन है कि मैं इसको यहाँ पर अटका सकता हूँ, तो ये भी मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा इसको कैसे फिल करना है एंड कैसे इसको अटकाना है। अभी मैंने खुद भी कभी यूज़ नहीं करी है ये चीज़ें, पहली बार अपनी इस राइड पे मैं ये सब यूज़ करने वाला हूँ। नाउ फाइनली आते हैं ये सैडल बैग्स के ऊपर जो मैंने परचेज करे हैं। सो दीज आर 30 लीटर्स ईच, यानी 60 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, और ये प्रॉपर वाटर प्रूफ है, तो इसके ऊपर कोई रेन लाइनर की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मेरे को जाके बस बाइक पर रख देना है एंड दे आर गुड टू गो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको राइनॉक्स के जो एक्सपर्टीज सीरीज होगी शायद उसकी याद दिलाएंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक मस्त नियॉन सा कलर जो उन बैग्स में भी आपको देखने को मिलेगा। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, ताकि अगर आपको एक सिंगल बैग भी यूज़ करें तो एज अ सिंगल बैग यूज़ कर सको इनको। बाकी इसकी कैपेसिटी मैं दिखाऊँ, वाटर प्रूफ भी है ये, यहाँ से बकर ओपन किया और यहाँ खोल के वेलक्रोज होते हैं, तो यहाँ पर आप सामान रख सकते हो। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसका प्राइस जो है दैट इज़ जस्ट 2600 में 30 लीटर्स मेरे को मिल रहा है, वाटर रेसिस्टेंट मेरे को मिल रहा है और देखने में भी काफ़ी कूल सा लग रहा है, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर दी सैडल्स। तो यस, ये सब सामान जो है मैंने परचेज करा था और ये सब मिला करके मुझे करीबन कॉस्ट किया 6500 और 100 रुपये का एक बंजी कॉर्ड लिया था, बिकॉज बांध के सब कुछ वापस आना था। इस वीडियो के बाद में मैं दिखाता हूँ कि मैंने जाते बाइक को कैसे प्रिपेयर करा था, तो वो भी एक बार वीडियो देख लो। और ये जो काम मैंने कराया शॉप, आप पूछते हो तो शॉप इज दिस टफिन हाउस ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड एसेसरीज। ये भी मेरे को बाई चांस मिल गई, मैंने कॉल करके इनसे पूछा था, सो आई गेस 31 नंबर है इनका। अगर आपको कुछ भी काम कराना तो इनसे करा सकते हो, सही नेचर है, पर शॉप पे विजिट करना, फ़ोन पे कुछ नहीं बताते। तो That's all for this particular video. अभी मैं GoPro को अंदर रख रहा हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।